मैं तो इस किताब का आखिरी पन्ना हूँ। मैं ना होता तो कहानी खत्म नहीं होती। वैसे कहानी तो शुरू हुई है यहाँ। हम बात कर रहे हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है कि जैसे ही आया है यहाँ पे नया परिवार, आ रहे हैं यहाँ पे नए नए ट्विस्ट एंड टर्न्स। आइए देखते हैं क्या है अभिमन्यु, आरोही और अक्षरा का हाल। स्टार प्लस की सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में शुरू हो गई है बिरलाज और गोयनकाज के बीच लड़ाई, और ये लड़ाई हो रही है अक्षरा के लिए। असल में अभिमन्यु के पापा गोयनका हाउस आए हैं ये जानने के लिए कि अक्षरा गवाही देने क्यों नहीं आई। साथ ही उन्होंने सभी घर वालों के सामने इन सब के पीछे की वजह अक्षरा को बताया, जिसे सुनकर मनीष गोयनका को गुस्सा आ गया और वो अभिमन्यु के पापा पर भड़कने लगे। बस बात यह है कि अभिमन्यु के अगेंस्ट एक बहुत बड़ा मोलेस्टेशन का चार्ज है, जैसे म्यूटू का केस होता है, और उसमें हम कोई सबूत, कोई गवाह ढूंढ रहे हैं जो हमारे फेवर में हो। और इस सीन के पहले मुझे पता चला है कि एक ऐसी गवाह है और वो है अक्षरा। वो उस वक्त उस रूम में मौजूद थी, उसने देखा क्या हुआ, और वो हमें बचा सकती है, अभिमन्यु को बचा सकती है, नहीं तो उसका जो लाइसेंस है वो कैंसिल हो सकता है। तो बस इसलिए आए हैं कि अक्षरा को लेकर जाएं और कोर्ट में अपनी गवाही दें। बात इतनी आगे बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे। अभिमन्यु के पापा ने तो ये तक कह दिया कि गोयनका परिवार उनकी इज्जत उछालना चाहता है अपना बदला लेने के लिए। इस पर मनीष कुछ कहते कि वहाँ अभिमन्यु आ गया और उनकी लड़ाई को रोकते हुए कहा कि ये अक्षरा का फैसला है कि वो मेरे लिए गवाही देगी या फिर नहीं। अभी अभिमन्यु आता है, अभिमन्यु नहीं चाहता है कि मतलब अक्षरा इन्वॉल्व्ड हो, और हम बस तुले हुए हैं कि ये केस हमें जीतना है। ये जो गलत इल्ज़ाम लगा है वो नहीं लगना चाहिए।